तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है e^(2x-1)/e^(2x+1) और हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्वेश्चन में एक fx प्रेजेंट होना चाहिए और एक f'x प्रेजेंट होना चाहिए। अब यदि हम डिनोमिनेटर में जो टर्म है e^(2x+1) इसको यदि हम फंक्शन अज्यूम करें तो इसके लिए f'x होगा 2 × e^(2x) के इक्वल। लेकिन इस टाइप की टर्म हमें कोई भी क्वेश्चन में नहीं दी गई। अब सेकंड केस में यदि हम न्यूमरेटर की टर्म को e^(2x-1) को f(x) के इक्वल अज्यूम करें तो इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा हमें 2 × e^(2x), यानी कि इसका डिफरेंशिएशन वाली टर्म भी हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में कुछ चेंज करना होगा। तो अब यदि हम इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में e^(x) से डिवाइड कर दें तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब यदि हम इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है e^(x+e^-x) इसको यदि हम फंक्शन अज्यूम करें तो उस केस में हमारे लिए f'(x) हो जाएगा e^(x-e^-x) जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इसका मतलब अब हमें f(x) और f'(x) मिल गए हैं। तो अब हमें f(x) और f'(x) मिल चुके हैं। तो अब अगली स्टेप में हम f(x) को t के इक्वल अज्यूम करेंगे। तो इसलिए t हमारा हो जाएगा e^(x+e^-x) के इक्वल। अब हम t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं कि dt इज इक्वल टू e^(x-e^-x)(dx). अब यदि हम क्वेश्चन में देखें तो इस टर्म को dt से रिप्लेस कर सकते हैं एंड डिनोमिनेटर को t से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड t के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर log ऑफ मोड t प्लस c के इक्वल आ जाएगा। अब हम t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे कि हमारा आंसर होगा log ऑफ e^(x+e^-x)c। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि हमने इस टर्म में मोड को नहीं लिखा है। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि e^(x) की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसलिए हमने यहाँ से मोड को हटा दिया है। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ e^(x+1)/e^(x). अब हम इसे log की प्रॉपर्टीज यूज करके आगे कुछ इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड अब यदि हम इस स्टेप की मिडिल टर्म को देखें तो वह है x(log e). सिंस यहाँ log पर जो बेस है वह भी e है, तो इसलिए log e की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी और हमारा फाइनल आंसर हमें मिलेगा log ऑफ e^(2x+1)-x+c। तो अब हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें हमारे क्वेश्चन में हमेशा f(x) और f'(x) डायरेक्ट नहीं दिए हुए होते। इसके लिए हमें कभी कभी क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में e^(x) का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड किया था।